नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी आज के चिकित्सालय में लाखों की फीस के गबन का मामला सामने आया है। यहां तमाम जांचों के नाम पर पैसे लिए गए, रसीद भी काटी गई, लेकिन फीस की रकम अस्पताल के खाते में नहीं जमा की गई। मामले में एक महिला कर्मी रडार पर आई है, जिसके घर से रसीदें बरामद हुई हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सुशीला तिवारी अस्पताल में होने वाली जांच की फीस अभी भी रसीदों में काटी जा रही है। फीस काउंटर में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने रसीद तो काटी, लेकिन पैसा अस्पताल के खाते में जमा नहीं किया, जबकि अस्पताल में जितनी भी जांच होती है उसकी फीस बिल काउंटर में जमा होती है। इस दौरान मामले में जांच अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह और चिकित्सा अधीक्षक जीएस तित्याल ने बताया कि दो दिन पूर्व अकाउंट की जांच में सामने आया कि रसीद बुक गायब है। इस रसीद बुकों का पैसा अभी तक जमा नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि लाखों रुपए में है। मामला सामने आने के बाद इसकी जांच की गई तो पता चला कि एक महिला कर्मचारी रसीद बुकों को अपने घर ले गई, जिसके घर से दो दर्जन से अधिक रसीद बुक बरामद की गई है। महिला कर्मी ने कुछ पैसा जमा करा दिया है। फिलहाल अभी जाँच चल रही है और जल्द ही इस मामले से पर्दा उठ जाएगा। ये जो मामला अभी रिसेंटली मेरे संज्ञान में आया, जो रिसेप्शन काउंटर से रिलेटेड जो भी रसीद बुक से संबंधित था, तो उसके लिए हमने एक उचित कार्रवाई करने जा रहे हैं। जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे तो विस्तृत कार्रवाई करके जो भी जानकारी हमें मिलेगा या जो भी निष्कर्ष निकला उसी के अनुरूप जो है उनको एक जो है आवश्यक पनिशमेंट दिया जाएगा। सर वहीं कितने अभी तक कुछ रिकवरी करी गई है आप लोगों को? नहीं, इसमें कुछ जो रसीद बुक थे उनसे घर से बरामद किए गए हैं। लगभग 3,66,000 का रिकवरी उनसे करा दिया गया है। अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा? अगला कदम यह है कि और भी रसीद बुक हम चेक करेंगे, जितने भी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं उनसे देखेंगे कि किस किस के पास कौन कौन से रसीद बुक है और कब से जमा नहीं किए गए हैं। अभी मुझे जांच की जिम्मेदारी दी गई है। प्रथम दृष्टा जो है इसमें एक कार्मिक की सीधी संलिप्तता प्रतीत हो रही है। उसके अलावा जो भी अनुभाग के प्रभारी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका उसमें क्या रोल है, इनकी संलिप्तता है या इनकी लापरवाही हुई है, वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। तो अभी हमारी पहली कोशिश ये है कि जितनी भी धनराशि का जो सही समायोजन नहीं हो पाया था उसको हम मैक्सिमम समायोजन कर लें। कुछ धनराशि का समायोजन, लगभग 4 लाख रुपये का समायोजन ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी हमें अनुमानित है कि 3 लाख रुपये की धनराशि शायद और शेष है, उसके समायोजन के प्रयास जारी है। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए आपके द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी, कि जिस प्रकार से विभाग को एक बड़े स्तर में चूना लगाने का उनके द्वारा काम किया गया है, आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें दोनों की जिम्मेदारी है, संबंधित कार्मिक है उनकी भी और जो उनका सुपरविजन कर रहे थे वो भी। तो सुपरविजन जो कर रहे थे उनके स्तर से कहाँ कमियाँ रही हैं उसको भी हम देखेंगे और आगे के लिए क्या सुधार हो सकता है। साथ ही डिजिटल हम लेन देन कैसे कर सकें ताकि भविष्य के लिए कोई लूपहोल हमारे स्तर पर ना रहे, उसके दिशा में भी हम विचार करेंगे। एक तरफ जहाँ नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं हम कह सकते, बीच में हमारा ऑनलाइन सिस्टम भी था, लेकिन क्योंकि HIA सिस्टम में हमारे कमियां आ रही थी उसकी वजह से कई बार लंबी लाइनें लग जा रही थी। तो उसका जो तात्कालिक वो जो समाधान निकाला गया वो ये कि कैश सिस्टम को भी हम पैरेलली जारी रखें, लेकिन उसके कारण अगर कुछ कमी हुई है या लापरवाही हुई है तो उसमें जो सुधार हो सकता है उसको हम देखेंगे। ये थी हल्द्वानी समय संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।